सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों के, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और लाइक करना, वीडियोस को देखना, और जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आप लोग कमेंट्स करते हैं, कम्युनिटी में आप लोग इंगेज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमारा चैनल फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया गया है और लगभग 5000 घंटे का वॉच टाइम भी क्रॉस कर चुका है। और अपने चैनल पे आज की डेट पे लगभग 1,60,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा मैं कर पाऊंगा। ये जो भी हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत भी इंगेजमेंट बढ़ी है, जो लोगों को मैं कनेक्ट कर पाया हूँ, वो बस आप लोगों के थ्रू है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा और समझा, नॉलेज को समझा, और आपको लगा कि हाँ यार ये बंदा आगे अच्छी नॉलेज यार इसी टाइप की नॉलेज सिंपल वर्ड्स में आगे कम्युनिकेट कर सकता है। बस उसी के कारण है कि आज अपनी फैमिली जो है वो 1050 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंचने वाली है। और जानता हूँ पिछले कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़े कुछ कामों में बिजी था, पर अब से वीडियोस की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। धीरे धीरे मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जो अपना मैं कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ उसमें, और साथ साथ ये भी कोशिश करूंगा कि वीडियोस ज्यादा भी आए। जो हफ्ते की मंडे को एक आ रही है उसको मैं कोशिश करूँ कि आप मंडे या थर्सडे आऊँ, मेरे को कोर्ट मत करना इस चीज़ पे, पर मैं काफी कोशिश करूंगा कि हफ्ते की दो वीडियोस तो मैं किसी तरह डालूं। तो कुल मिला के थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और ऐसा ही शेयर और खरीदिए और सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे और बढ़ा के लेके जाना है। अभी तो बस मोनेटाइजेशन ऑन ही हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक वीडियो से। आज की वीडियो में मैं को टॉपिक ज्यादा समझ आया नहीं कि मैं क्या लूँ। तो एक रिसेंटली मैंने ये ऑर्डर किया था Amazon's बेसिक, ये टायर इन्फ्लेटर है जो ऑटोमेटिकली गाड़ी के ही सिगरेट लाइटर से पावर लेके टायर को एयर्स फिल कर देता है। तो काफ़ी यूजफुल टूल है, मैंने यूज़ किया है अभी रिसेंटली, 2-3 ट्रिप्स में इसका काम भी आ गया मेरे। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ समझा दूंगा इसके बारे में। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिसेंटली सेल पे 1900 से 2000 के आसपास का मिल रहा था, आप चेक कर सकते हैं कि अभी करंटली प्राइस क्या चल रही है इसकी। अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा मैं बात कर रहा था, ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, एक कैरिंग केस के अंदर आता है, जैसे कि आप इसको इजीली कैरी करो इधर उधर। इसको यहाँ हैंडल भी दे रखा है इसको पकड़ने के लिए। तो इसको मैं खोलता हूँ प्रोडक्ट को, इसके साथ काफ़ी इसकी पैकेजिंग पेपर वर्क वगैरह काफ़ी कुछ आता है। एक साल की वारंटी भी आती है इस प्रोडक्ट के साथ, तो आप लोग उसको यूज़ करते हैं। देखिए ये पूरा प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा निकालना, थोड़ा टाइट हो जाता है। ये देखिए इसके साथ इसकी एक ओनर्स मैनुअल आती है अगर आपको यूज़ करनी है तो, पर मैं आपको इस वीडियो में सारा समझा दूंगा तो उसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है अमेजोन बेसिक का है, 150 PSI तक की इसमें कैपेसिटी है रेटेड, और मार्केट में काफ़ी सारे आते हैं, पर ये वाला अगर आप ले रहे हो तो ऑनलाइन लेने के हिसाब से और जो सबसे ज़्यादा लोगों ने भी यूज़ किया हुआ वो यही प्रोडक्ट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि कई प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इससे कम प्राइस में आते हैं, पर ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिव्यूज़ उसके अच्छे थे और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है काफ़ी। तो इसका सिंपल इसमें है, अब टायर में भरना है तो टायर के लिए भरने के लिए नोजल तो होनी चाहिए, तो ये उसकी वाली पाइप है जिससे कि आप टायर में अटैच करके भर सकते हैं। ये देखिए इसको आप सीधा स्क्रू कर सकते हैं टायर के नोजल में, तो उससे हवा भर जाएगी। और सेकेंडली इसकी पावर की लीड है यहाँ पे, काफ़ी लंबी लीड है, इसको मैं निकालता हूँ। तो ये देखिए फाइनली मैंने निकाल दी तो पूरी। तो ये आपका सिगरेट लाइटर वाला अडाप्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेगा। इसमें आप जाएंगे यहाँ पे, तो इसको इसमें प्लग कर दीजिए और इसके अंदर पावर आ जाएगी, मेरे को कार इग्निशन में करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इग्निशन ऑन हो गया। अब इसका सिंपल जो सिस्टम है वो ये है कि मैं टायर में इसको कनेक्ट कर दूंगा, और टायर में कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे करंट आपको टायर की रेटिंग बताएगा कि यहाँ पे करंट मतलब कितना PSI है। मान लो 10 PSI है तो ये बताएगा कि यहाँ पे आपके कार के टायर के अंदर अभी 10 PSI, और कार स्पेसिफिक नहीं है ये, बाइक में, स्कूटीज में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये इसको सेट करने के लिए कि आपको कितना आपको रखना है PSI, ठीक है। तो और आप PSI और बार में भी आप इसको शिफ्ट आप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसको अच्छे से लगा देता हूँ।
और आप PSI से अगर आपको सीधा सेट करनी है तो आप ये देखिए ये 35 मैंने सेट किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा के और ऐसा आप इसे ऐसे कम कर सकते हैं। मान लो मेरे को 35 बननी है तो मैं इसको 35 पे सेट कर दूंगा और इसका कंप्रेसर ऑन, आवाज़ काफ़ी करता है ये। तो ये मैं आपको एक बार अभी एक डेमो देकर दिखा दूंगा उसका। और अदरवाइज इसमें एक और फीचर है वो ये है कि ये इसमें एक लाइट भी दी हुई है, आप देख सकते हैं ये लाइट है रात को यूज़ करने के लिए, और इसको अगर आप उल्टी सेट करेंगे तो हज़ार लाइट है, ये देखिए रात में यूज़फुल हो सकती है। और ये सिर्फ कंप्रेसर ऑन ऑफ है। अब मान लो मेरे कार का जो टायर है उसके अंदर 20 PSI हवा थी, तो ये जैसे ही अगर और मैंने इसमें 35 सेट की तो 20 पे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये 35 जैसे ही पहुंचेगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं रखनी पड़ती कि ये ज़्यादा तो हवा ना भर दे या कुछ ना भर दे। तो चलिए एक बार एक व्हील के पास चलते हैं और फिर मैं आगे इसका आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये मैं आ गया बाहर लेके, ये तार मैंने कनेक्ट की हुई है वहाँ पे, और इसमें सीधा मैं इसको स्क्रू कर दूंगा अंदर इसके। थोड़ी सी हवा निकलती है पर वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे ही इसमें किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बता रहा है 31.5 PSI इसके अंदर है। अब मान लो मेरे को 35 नहीं 32 ही हवा रखनी है, तो मैं 32 पे सेट करके इसका कंप्रेसर ऑन कर दूंगा। इस तरीके से पूरा वर्क करता है। अभी मेरे को पूरी आवाज़ में भरनी नहीं क्योंकि मैंने इसमें इतनी रखी हुई है टायर में हवा, तो मैं इसको करूँगा। तो जैसे ही ये भरेगा 32, आप देख सकते हैं वैसे यहाँ 32 हो गया, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जैसे आपने हवा भर ली तो आप इसको यहाँ से ऐसे अनस्क्रू कर दीजिए और टायर की कैप वापस आप इसमें लगा दीजिए। तो इस टाइप से था कुछ ये डिवाइस, काफ़ी यूजफुल डिवाइस है। एक गाड़ी का अगर आप मुझसे पूछें कि अगर एकदम ही टायर में हवा बिल्कुल ही कम है, मान लो 10-15 PSI के आसपास है और आपको उसमें हवा फुल भरनी है, तो उसमें लगभग 5 से 8 मिनट लग जाते हैं उसमें भर देता है। और बाइक स्कूटीज या अगर साइकिल जिसमें ये वाला फिट होता है उसमें तो बहुत ही जल्दी भर देता है, 2 सेकेंड के अंदर हवा भर देता है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा यूजफुल टूल है, 1 साल की वारंटी के साथ भी आता है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। हाईवेज वगैरह पर अगर हवा कम हो जाए या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि यार बार बार जाके पेट्रोल पंप पे हवा चेक कराओ, तो ये काफ़ी एक यूज़फुल टूल है। और स्पेसिफिकली आजकल जो ट्यूबलेस टायर्स आते हैं उसमें अगर पंचर हो जाए तो हवा इतनी जल्दी निकलती नहीं है, तो आप अगर आपको पता चला कि टायर फ्लैट हो गया तो आप इससे हवा भर के आप अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप एक नियरेस्ट पंचर शॉप पर चला जाएं, जिसकी वजह से आपका एक स्टेप नहीं बदलने का टाइम आपका बच जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा जिसमें मैंने आपको Amazon's बेसिक ट्रायर इन्फ्लेटर के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कम्युनिटी को बढ़ाइए, और मैं आपसे मिलूंगा एक और एक ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।